हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन पे फ़ोन कैसे लेते हैं। अगर आपको कौन सा भी मोबाइल सैमसंग वीवो कौन सा भी मोबाइल आपको लेना रहेगा, तो सबसे पहले आपको बजट तय करना पड़ेगा कि आपका बजट कितने का है। आपको 15,000 का मोबाइल लेना है या 20,000 या 25,000 का। अगर आपका मोबाइल या आपका कोई भी एक्सेसरीज हो वो 15,000 के ऊपर है तो आप मोबाइल ले सकते हो ईएमआई पे। अगर आपका मोबाइल का बजट 10,000 के नीचे है, 12,000-13,000, तो आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना ईएमआई पे ले सकते हो। दोस्तों, ये जो मैंने पहला मोबाइल लिया था ना, ये मैंने लिया था कुछ 17,000 रुपये का लिया था, 17,000 का लिया था। तो ये मेरा पहला मोबाइल है ईएमआई पे जो मैंने लिया था। ये मैंने लिया था बजाज फाइनेंस के ऊपर। अब बजाज फाइनेंस का कार्ड कैसे बना, कहाँ पे बना, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। बजाज कार्ड बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कोई भी होम एप्लीकेशन लेना पड़ेगा, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारे चीज़ आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद आपको बजाज का कार्ड बन के आएगा। दोस्तों, जब आपका एक ईएमआई पूरा हो जाता है ना, मतलब 6 महीने का, 3 महीने का जो भी ईएमआई रहेगा, वो ईएमआई पूरा हो जाने के बाद आपको बजाज के थ्रू कार्ड मिलता है। सारे फाइनेंस वैसे ही होते हैं, जैसे IDFC हो गया, बजाज हो गया, और बहुत और 2-3 फाइनेंस और है जिसका नाम मैं नहीं ले रहा फ़िलहाल। मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए आपको 2 फाइनेंस के नाम बताए, क्योंकि दोस्तों बजाज और IDFC फाइनेंस काफ़ी बड़ा है और ये लोग जल्दी फाइनेंस कर देते हैं, इसके लिए मैंने आपको यही नाम बताया है। अब बजाज फाइनेंस का जब ईएमआई पूरा हो जाता है ना दोस्तों, फिर आपको ऑनलाइन कार्ड बन के आ जाता है। मतलब आप उनका ऐप आता है बजाज फाइनेंस करके, तो आप उस पर लॉगिन करते हो तो आपको ऑनलाइन कार्ड दिखता है। दोस्तों, अगर वो आपका बन जाता है तब आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे ले सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो प्रोडक्ट है 15,000 के ऊपर का होना चाहिए। दोस्तों, जो पहला लिमिट मिलता है वो 30,000 तक का लिमिट मिलता है, लेकिन आप जब साल, 2 साल, 3 साल उसे यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद वो 50,000 का लिमिट मिल जाता है। अब दोस्तों, आप लोगों को बहुत डाउट होगा कि ये सेफ है या नहीं सेफ है, या इसमें चार्जेस कितने लगते हैं, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप लोगों को। तो मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस जब बनाते हैं स्टार्टिंग में, तब आपको कुछ 700-800 रुपए तक का फ़ी जमा करना पड़ता है। जब मैंने स्टार्टिंग में लिया तो मुझे कुछ 800 रुपए फ़ी जमा करने पड़े थे प्रोसेसिंग फ़ी, और उसके बाद दोस्तों फिर मुझे कोई फ़ी जमा नहीं करने पड़े, ना कोई इंटरेस्ट रेट पे करने पड़े, ना कुछ, सारा चीज़ मेरा 0 डाउन पेमेंट में पे कभी कभी ले लेता हूँ। जैसा कि जिसमें मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना दोस्तों, वो भी मैंने बजाज फाइनेंस पे ही लिया था, और वो 0 डाउन पेमेंट पे लिया था मैंने, 1 रुपये भी मैंने डाउन पेमेंट नहीं किए थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों, पहले तो ये इंटरेस्ट फ्री है, और उसके बाद इस पे 0 डाउन पेमेंट पे भी ले सकते हैं, और कभी कभी आपका ऑफ़र रहता है तो आपको कुछ डाउन पेमेंट करने पड़ते हैं। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जब आप फर्स्ट टाइम लेते हो ना बजाज फाइनेंस से, तो प्रोसेसिंग फ़ी 800 रुपये लगते हैं, और कुछ परसेंटेज, मतलब 35% तक का आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप कोई भी स्टार्टिंग में टीवी और फिर फ्रिज लेते हो, तो फिर आपको 35% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद जो भी कुछ आप उसके बाद 6-7 महीने बाद जब वो ईएमआई कंप्लीट हो जाता है, तब भी अगर आप लेना चाहते हो कुछ ईएमआई पे, तो आपको 35% देना पड़ता है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा और आप कोई उस दिन क्या जैसे फेस्टिवल होता है ना, जैसे फेस्टिवल के दिन कुछ ऑफ़र रहता है, तो उस दिन आपको 0 डाउन पेमेंट पे ही मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बता दूं कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको 0 डाउन पेमेंट मिलता है, अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो आपको 0 डाउन पेमेंट पे नहीं मिलेगा। दोस्तों, बहुत लोगों को डाउट है कि इसमें चार्जेस कितने होते हैं, अगर चेक बाउंस हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा अपने। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस रिलेटेड, मोबाइल, टीवी,
या फिर लैपटॉप कैसे फाइनेंस किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं उसके रिप्लाई ज़रूर दूंगा आप लोगों को। दोस्तों इस वीडियो में को पूरी देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, और दोस्तों अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।